Hello everyone, this is Ritu. Today we are going to do chapter number 7 of class 9th. उसकी जो एक्सरसाइज है 7.2, उसके एग्जाम्पल्स हैं वो हम करेंगे आज. एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, इन ट्राइंगल ए बी सी, आपके पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, द बाइसेक्टर ए डी, और कोई ए डी आपके पास बाइसेक्टर है जो एंगल ए को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है. इस परपेंडिकुलर द साइड ऑफ बी सी, इस साइड पे वो क्या है, परपेंडिकुलर है. मीन्स परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या होता है कि ये दोनों क्या है, 90 के एंगल बना रहे हैं. परपेंडिकुलर है तो हमें वहाँ पे हिंट सिर्फ यही मिलता है कि वो 90 का एंगल बना रहे हैं. ओके, हमें शो क्या करना है, शो डैट ए बी, ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों क्या है, इक्वल है, और ए बी सी इज अ आइसोसेलेस ट्रैंगल, और ए बी सी क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रैंगल है. अब आपको आइसोसेलेस ट्रैंगल, सबसे पहले आपको आइसोसेलेस ट्रैंगल प्रूव करानी है. आइसोसेलेस कौन सी ट्रैंगल होती है, ओके, आइसोसेलेस कौन सी ट्रैंगल होती है जिसकी दो साइड इक्वल हो, वही आइसोसेलेस ट्रैंगल होती है. अब हम क्या करेंगे, हम ट्रैंगल्स ले लेते हैं जो भी हमें कॉन्ग्रुएंट दिखानी है. कॉन्ग्रुएंट से ही हम दोनों साइड इक्वल दिखा सकते हैं. इन ट्रैंगल ए बी डी एंड ट्रैंगल ए सी डी, ए बी डी एंड ए सी डी, हमने ये दो ट्राइंगल्स ले ली हैं. ओके, अब एंगल ए डी बाइसेक्टर है एंगल ए का, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये वाला एंगल दोनों क्या हुए, इक्वल हुए. एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, क्यों हुए, क्यों, ए डी जो है वो बाइसेक्ट करता है एंगल ए को, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला वो एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या हुए, इक्वल, यही हमने लिख दिया. उसके बाद एंगल ए इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी, जो यहाँ से जो ये लाइन है ये परपेंडिकुलर है इस पे, मीन्स ये दोनों एंगल भी क्या हुए, इक्वल 90 के. यहाँ से लिख लेते हैं, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, क्यों, बोथ आर 90 डिग्री, दोनों क्या होंगे 90 डिग्री के, दो एंगल ये आ गए. अब हमें एक चीज़ और चाहिए, अब देखो कोई साइड इक्वल है या कोई साइड कॉमन है. अब देखो ए डी, ए डी तो दोनों में कॉमन है, ए डी इज इक्वल टू ए डी, वो क्या हुई हमारे पास, कॉमन हुई. अब हम यहाँ लिख सकते हैं ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी डी, बाय किस रूल से, एंगल साइड एंगल रूल से. ओके, अब हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, क्यों, अब तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया. अब तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड चाहे एंगल लिखो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे और कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होंगी. ए बी इज इक्वल टू ए सी, दिस इम्प्लाइज किससे होगी, बाय सी पी सी टी रूल से, सी पी सी टी से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. अब हम लिख सकते हैं अगर दो साइड इक्वल आ गए हैं इस पूरी अगर ट्रायंगल की बात करें, दिस इम्प्लाइज ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. ओके, क्या किया हमने, हमारे पास क्या था, एक ट्रायंगल गिवन थी, हमने वो आइसोसेलेस प्रूव करानी थी. सबसे पहले जो इसके अंदर पार्ट थे, जो भी हिंट गिवन थी, मीन्स जो भी क्वेश्चन में, हमने वहाँ से उसको यूज़ में लिया. सबसे पहले क्या था, ट्रायंगल ए को ए डी बाइसेक्ट कर रही है, तो एंगल ये और ये दोनों क्या होंगे, इक्वल. हमने ये दो ट्रायंगल्स ले ली सबसे पहले, उनमें ये दोनों एंगल इक्वल होंगे क्योंकि ए डी इसको बाइसेक्ट कर रही है. उसके बाद इन्होंने क्या, जो ये जो बाइसेक्टर है ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है, तो मींस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल. उसके बाद ए डी, ए डी कॉमन है, दोनों क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट. कॉन्ग्रुएंट से ये दोनों साइडें भी क्या होंगी, इक्वल. अगर इस ट्रायंगल की दो साइडें इक्वल होंगी वो क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट. अब हम इसका सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं. सेकेंड एग्जाम्पल में क्या गिवन है, ई एंड एफ आर, हमारे पास कोई ट्रायंगल है. ओके, इसमें गिवन क्या है, देखो ई एंड एफ आर द रिस्पेक्टिव द मिड पॉइंट ऑफ द इक्वल साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी. हमें शो करना है बी ई एंड सी एफ इक्वल हैं. क्या दे रखा है, ए बी सी डी आपके पास कोई ट्रायंगल है, ए बी का मिड पॉइंट है ई और बी ए ई ए सी का मिड पॉइंट है एफ. अब आपको प्रूव क्या कराना है, जो भी ये ए बी ई है, बी एफ है ये वाली साइड एंड बी ई है, दोनों क्या हैं, इक्वल. अब आप क्या करोगे,
का कैसे इक्वल दिखाओगे, वही कॉन्ग्रुएंट प्रूव कराओगे। हम इसके अकॉर्डिंग ट्राइंगल्स ले लेते हैं। ओके, हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ट्राइंगल्स ले लेते हैं। हमने क्या किया, इन ट्राइंगल ए बी एफ ये वाले ट्राइंगल लिए। ओके, ऐसे ही हम ये वाले ट्राइंगल ले लेते हैं एंड ट्राइंगल ए सी ई, ये दो ट्राइंगल हमने ले लिए हैं। इसमें देखो आपके पास क्या कुछ कॉमन है। अब ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये गिवन है। कहाँ से गिवन है, ये दे रखा है कि ये मिड पॉइंट है, टू इक्वल साइड्स ऑफ ए बी एंड बी सी, दोनों क्या है, इक्वल साइड्स हैं, ए बी और बी सी इक्वल हुए। अब देखो ए बी और बी सी इक्वल हैं और उनके मिड पॉइंट ये हैं, मीन्स ये भी इक्वल होंगी। अगर आपके पास सपोज ये एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, इसका मिड पॉइंट ये, इसका मिड पॉइंट ये, तो ये भी टू होगी, ये भी टू होगी, ये भी टू होगी, ये भी टू होगी, ठीक है, ऐसी होती है ना। अब यहाँ पे देखो अगर ये पूरी 4 है तो इसका मिड पॉइंट ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा। अगर ये पूरी 4 है, इसका मिड पॉइंट ये भी 2, ये भी 2, ये भी दोनों इक्वल होंगी। अगर दो साइड जो हैं उसका मिड पॉइंट है जो उसकी हाफ हाफ, वो भी तो इक्वल होंगी। अब वही हम लिख लेते हैं, ए ए ई इज इक्वल टू ए एफ, क्यों, हाफ ऑफ इक्वल साइड्स, हाफ ऑफ इक्वल साइड है, एंगल ए। अब देखो यहाँ पे एंगल ये ए, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, क्यों, कॉमन है दोनों। आप लिख सकते हो दिस इम्प्लाइज ट्राइंगल ए बी एफ कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी ई, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगे। किस रूल से, बाय दो एस ए एस, दो साइड इक्वल होंगे और एक एंगल इक्वल हो गया। अब हम लिख सकते हैं बी एफ इज इक्वल टू सी ई बाय सी पी सी टी, यही हमने क्या कराना था, प्रूव। हमने क्या किया, ये दो हमने ट्राइंगल्स एज्यूम कर लिए। ओके, इन दिनों में ए बी ए सी गिवन है। अब दो इक्वल साइड्स का हाफ भी इक्वल होंगे, हमने वहाँ से दो इक्वल कर लिए, ये भी दोनों इक्वल होंगी साइड्स, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये भी दोनों क्या होंगे, इक्वल, और ये वाला एंगल तो कॉमन ही आ रहा है, मीन्स ऐसे एच से दोनों कॉन्ग्रुएंट होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी तो ये वाली साइड और ये वाली साइड भी इक्वल होगी, और यही हमने क्या कराना था, प्रूव। अब हम करते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर थर्ड। एग्जाम्पल नंबर थर्ड में आपके पास क्या गिवन है, इन एन आइसोसेलेस ट्रेंगल, आपके पास ये आइसोसेलेस ट्रेंगल है ए बी सी विद ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये ए बी और ये ए सी दोनों क्या है, इक्वल, एंड डी ई आर, जो डी और ई है, डी और ई आर पॉइंट ऑन बी सी, ये बी सी के ऊपर कोई पॉइंट है, ओके, सच डैट बी ई इज इक्वल टू सी डी, बी ई ये वाली साइड और ये वाली, ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। शो क्या करना है, ए बी इज इक्वल टू जो ए डी है, ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों क्या हैं, इक्वल। अब आप क्या करोगे, दो ट्राइंगल्स लेके ही करोगे। हमें ये दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी ई, ये वाली ट्राइंगल ले ली और ये वाली ट्राइंगल ले ली। इस ट्राइंगल में आप देखो सबसे पहले कॉमन क्या है, अब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ए बी इज इक्वल टू ए सी होगा, ये तो आपके पास गिवन है, ये तो गिवन है। ओके, अब देखो अगर ये दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं, अगर ये साइड और ये साइड इक्वल हैं तो इसके ये वाले एंगल भी इक्वल होंगे, हमने थ्योरम की थी। अगर दो इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल बनते हैं वो भी इक्वल होते हैं, ये दोनों साइडें इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या बनेंगे, इक्वल होंगे, मींस एंगल आपका जो बी है वो इज इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा। रीज़न क्या लिखोगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल हैं ये दोनों। ओके, अब आपके पास रह गया एक पार्ट। अब देखो आपके पास क्या गिवन है, बी ई इज इक्वल टू सी डी, ये आपके पास क्या है, गिवन है, ये वाली लाइन और यहाँ से ये वाली लाइन, ये दोनों लाइन क्या है, इक्वल। अगर आप ये बी डी दोनों में से माइनस कर दो तो आपके पास ये वाली बचेगी इतनी, और यहाँ से क्या बचेगी, ये, वही हम करेंगे, दोनों साइड से हम क्या माइनस कर देंगे, डी ई सी डी माइनस डी ई,
इस बी ई में से ये माइनस करोगे आपके पास क्या बचेगा, बी डी, और यहाँ से ये माइनस करोगे आपके पास क्या बचेगा, सी ई। दिस इम्प्लाइज अब आपके पास दो साइड्स आ गई और एक एंगल इक्वल आ गया, ये वाला, ये वाली साइड और ये तीनों, बाय इन तीनों इक्वेशन से आपके पास क्या आ जाएगा, ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी ई बाय एस, साइड एंगल साइड ही बनेगा, साइड एंगल साइड रूल से। अब आप लिख सकते हो बी ई, क्या प्रूव कराना था, ए डी इज इक्वल टू ए ई बाय सी पी सी टी। देखो क्या करना था, इसमें आपके पास दे रखी थी कोई आइसोसेलेस ट्रेंगल है, ओके। अब यहाँ पे इन्होंने कहा था कोई डी और ई पॉइंट भी है बी सी लाइन के ऊपर, ठीक है। अब कैसे है, इन्होंने कहा जो वो बी ई है और डी सी है दोनों क्या है, इक्वल है। शो क्या करना था, ये वाली लाइन और ये वाली साइड दोनों क्या है, इक्वल है। हमने क्या किया, ये वाली ट्राइंगल ले ली और ये वाली ट्राइंगल ले ली, दोनों ट्राइंगल ले ली, ओके। इन दोनों में ये दोनों साइडें इक्वल होंगी, क्यों, आइसोसेलेस है। एंगल ये और एंगल ये इक्वल होगा, क्यों, आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या था, हमने थ्योरम में किया था कि दो जो इक्वल साइड है उनके अपोजिट्स एंगल क्या होते हैं, इक्वल। ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गए। अब एक चीज़ और चाहिए थी, हम साइड ले लो चाहे कहीं से एंगल, एंगल कहीं से हम निकाल नहीं सकते, इसलिए हमने साइड का यूज किया, क्योंकि हमारे पास एक हिंट गिवन था। हमने क्या ले लिया, ये वाली साइड और ये वाली साइड। अगर इन दोनों में ये कॉमन, जो ये डी ई इसमें से माइनस कर दे तो ये बच जाएगा, इसमें से डी ई माइनस कर दे तो हमारे पास ये बच जाएगा। वही हमने किया, जो गिवन थी वो साइड ले ली, उनमें से डी ई माइनस कर दिया, यहाँ से बी डी बचा, यहाँ से सी ई बचा, तीसरी साइड इक्वल आ गई, दो साइड और एक एंगल हमें मिल गया। अब साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट होगी, कॉन्ग्रुएंट है तो उसके जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है वो भी क्या होंगी, इक्वल, ये साइड वाली इसके इक्वल। यही हमें प्रूव कराना था, ओके। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। अब हम इसके जो क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।